आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर से वाईफाई को कैसे कनेक्ट करते हैं और उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको एक वाईफाई अडोप्टर चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक क्वांटम का वाईफाई अडोप्टर है जो कि मैंने मार्केट से परचेज किया है। यह आपको मार्केट में 200 से 250 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। ये इसके साथ एक सीडी है, हम इसे इससे ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा वाईफाई अडॉप्टर, इसे हम यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे सीपीयू के अंदर और इसे सीडी वाले बॉक्स में लगाएंगे। हम अपने यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं और इसे सीडी वाले पोर्ट में लगा देंगे। हमने यूएसबी अडोप्टर और सीडी अपने सीपीयू में लगा दिए। अब हम माई कंप्यूटर में जाएंगे, यहाँ पर सीडी वाले ऑप्शन में जाएंगे। वाईफाई अडोप्टर विंडो, मैक, लाइनेक्स इन सभी के लिए उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर विंडो है इसलिए हम विंडो पर क्लिक करेंगे। जैसे हम विंडो पर क्लिक करते हैं नीचे एक ऑप्शन आ जाता है, आप इसे यस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस होगी, इसे होने दीजिए। यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रोसेस होगी, फिर से इसे होने दीजिए। ये कम से कम 2 से 5 मिनट का समय ले सकता है। तब तक मैं इस वीडियो का आगे निकाल देता हूँ। हमारी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हमारा ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही मैं इस पर फिनिश पर क्लिक करूँगा हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा। अब हम यहाँ सिग्नल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे यहाँ पर कोई सा भी कनेक्शन शो नहीं कर रहा है। हम अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट यहाँ पर ऑन करेंगे। हमने हमारा मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। अभी ये थोड़ी देर में इसे कनेक्ट कर लेगा। हमारा मोबाइल का कनेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है, हम अपने मोबाइल का पासवर्ड लगाएंगे। हमने हमारे मोबाइल का पासवर्ड लगा दिया है, अब हम ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे हमारा नेट कनेक्ट हो जाएगा। अब हम नेट चला सकते हैं। हमारा नेट चल चुका है, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।